Good morning, students. In this video, we will be doing the assignment questions of session 3rd of unit 3rd, that is related to creating and editing tables in design view. Bache. Now, the first question is of the assignment is, that is, how are the field type Boolean and tiny int different from one another? ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? ये इसका आंसर बेटा पेज 138 पे है. लेट्स स्विच ओवर टू पेज 138 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ इट. दिस इज पेज नंबर 138. यस. अब बूलियन डेटा टाइप, पहले आपने क्या लिखना है? बूलियन डेटा टाइप स्टोर्स स्टोर वैल्यू लाइक यस नो और ट्रू और फॉल्स वैल्यूज. ब्रैकेट के अंदर आपने ये लिखना है जीरो फॉर फॉल्स एंड वन फॉर ट्रू. लिखने के बाद बट, उसके बाद पेज नंबर 137 पे स्विच ओवर हो जाना है बेटा. बट टाइनी आईएनटी कैन स्टोर द नंबर अप टू 3 स्पेसेस ऑफ रेंज दिस, ये लिखना है बेटा आपने. इज इट ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट. That is, write the difference between int and tiny int data type. Same ही difference है range और space का. Now let's do it. पहले आपने question में से लिखना है the difference between int and tiny int data type is, खुद लिखना है ये, is related to the range of the number they can store and space they occupies in storing a number. द आई एन टी कैन स्टोर लिखने के बाद आपने पेज नंबर 137 पे बेटा स्विच ओवर हो जाना है. ठीक है, उसमें आई एन टी कैन स्टोर लिखा था ना, उसके बाद लिखना है द नंबर अप टू 10 स्पेसेस ऑफ रेंज दिस. ठीक है, लिखने के बाद आपने लिखना है बट, लिखा बट, उसके बाद लिखना है बट टाइनी आई एन टी कैन स्टोर द नंबर अप टू 3 स्पेसेस ऑफ रेंज दिस. दैट्स ऑल बेटा. ओके, अगेन वी विल मूव टू द असाइनमेंट क्वेश्चन, दैट इज द 3rd क्वेश्चन. वी हैव टू सी दैट वॉट इट इज. वट डू यू मीन बाई डिफॉल्ट वैल्यू और अ फील्ड इन बेस एंड हाउ कैन इट बी सेट. ठीक है, ये वट डू यू मीन बाई डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ फील्ड इन बेस, इसका आंसर तो आप सोल्यूशन टाइम से ही देख लेना, उसका आंसर 3rd में दे रखा है. अब इसके सेकेंड पार्ट का, हाउ कैन इट बी सेट, ये कैसे सेट हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट. ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट, फिर आपने खुद लिखना है इसका आंसर बाय द, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, द डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट बाय द डिफॉल्ट फील्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ फील्ड इन डिज़ाइन व्यू. The default value can be set by the default field property of a field in design view beta. Now next question, what are the different date and time formats available in base? पहले question में से, या आप सीधा direct 141 page में चले जाओ बेटा. We will move to 141 page बेटा. आगे, अब आपने ये पूरा लिख लेना, डेट टाइम फील्ड और उसके बारे में एंड टाइम और उसके बारे में. अब इसमें पढ़ देती हूँ. दिस फॉर्मेट फॉर डेट टाइप फील्ड, इट शोज डेट इन डिफरेंट फॉर्मेट सच एज लॉन्ग डेट सच एज फ्राइडे एंड शॉर्ट डेट सच एज, इन टोटल देयर 23 डेट फॉर्मेट हैं बेटा, तुम सबको तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, शॉर्ट में इस तरह बता देंगे. दिस फॉर्मेट फॉर टाइम भी लिख के हेडिंग टाइम, इट शो टाइम इन डिफरेंट टाइम फॉर्मेट सच एज लॉन्ग टाइम, दिस हो गया आपका शॉर्ट टाइम में हो गया. इन टोटल देयर 9 टाइप फॉर्मेट्स टू चूज फ्रॉम बेटा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, दैट इज योर, नेम द न्यूमेरिक टाइप ऑफ फील्ड्स दैट कैन बी यूज्ड ओनली इंटीजर वैल्यूज नो डेसिमल एंड फ्रैक्शन वैल्यू हैविंग अ डेसिमल. पहले आपने क्वेश्चन में से करना है, द न्यूमेरिक डेटा टाइप ऑफ फील्ड दैट कैन बी स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू नो डेसिमल आर, आर लिख के पेज 137 पे स्विच ओवर हो जाना है बेटा. ठीक है, हमने वो खोल के फिर वहाँ से हम लोगों ने आंसर अपना देखना है बेटा. लेट्स सी विच इज दिस पेज, दिस इज पेज 137. तो
कि कौन कौन से हैं डेसिमल वाले और दूसरे, पहले आपने ये लिख लेने हैं, ठीक है। डैट इज़ दिस वन, आर के बाद ये सारा लिख के, एंड द डेटा टाइप डैट स्टोर, डेटा टाइप के बाद डैट खुद लिखना है, स्टोर डेसिमल ये नहीं लिखना है, उसके बाद फ्रैक्शन के बाद वैल्यू हैविंग डेसिमल आर, ये दोनों पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं, उनके आगे भी जो लिखा हुआ है उसकी रेंजेस वगैरह वो भी आपने लिख लेनी है बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज योर इन असाइनमेंट इज दैट इज योर सिक्स क्वेश्चन, द डिस्कस द वेरियस फील्ड टाइप डेट आर अवेलेबल इन बेस, कौन कौन सी फील्ड टाइप्स हैं। तो पहले आपने खुद लिखना है, डिस्कस की जगह द लिख लो, द वेरियस फील्ड टाइप्स डेट आर अवेलेबल इन बेस आर, है ना। लिखने के बाद फिर हम दोबारा पेज 137 पे बेटा स्विच ओवर हो जाएंगे, है ना, इन ऑर्डर टू गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने पहले लिखना है इंटीजर सारा इसका, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये आपने सारा लिखना है। देन आपका नेक्स्ट वाला डेटा टाइप आ जाएगा, डेट इज टेक्स्ट डेटा टाइप, इसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट पेज के अंदर, डेट इज डेट डेटा टाइप, यू हैव टू राइट रिगार्डिंग इट टाइम डेट एंड टाइम एंड देन बुलियन डेटा टाइप बेटा, है ना, इसके अंदर जो लिखा हुआ है डिस्क्राइब वो भी करना है। ओके डेट्स ऑल विद द क्वेश्चन आंसर्स, थैंक्स बेटा।